मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थ्री का ईवीएस। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 11 को कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए थे इसके, ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 वर्क वी डू, कि जो हम लोग काम करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू हैव सीन पीपल डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क लाइक फिशिंग, पेंटिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बिल्डिंग, सेलिंग एंड क्लीनिंग। हम लोगों ने देखा ही होगा कि लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे फिशिंग हो गया, पेंटिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बिल्डिंग, सेलिंग, क्लीनिंग, ठीक है। ये सारे काम लोग करते हैं। पीपल डू डिफरेंट वर्क टू अर्न मनी। लोग क्या करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है। मनी इज़ रिक्वायर्ड टू बाई डिफरेंट थिंग्स एंड फैसिलिटीज़, क्योंकि क्या होता है, पैसों की ज़रूरत होती है सारी चीज़ों को खरीदने के लिए और फैसिलिटीज़ को ये यूज़ करने के लिए। आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड टू मेक अस हैप्पी एंड कम्फर्टेबल एज दे केयर फॉर अस। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो हमें खुश रख सकें और हमें एक आरामदायक मीन्स लाइफ प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारी केयर करते हैं। All types of work are good. जितने भी तरह के काम होते हैं, सब काम क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। We should be happy to do any type of work. और हमें कोई सा भी काम करके खुश रहना चाहिए, ठीक है। The first and foremost duty of children is to study. जो पहली जो सबसे important duty जो बच्चों की होती है वो क्या होती है, पढ़ाई करना, ठीक है। They are expected to study and do their daily homework. Means parents हमारे क्या expect करते हैं, कि हम लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, जो हमारा daily homework है वो हम लोग उसे complete करें, यही चाहते हैं parents. They should also help their parents whenever it is required. और हमें क्या करना चाहिए, कि हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो, ठीक है। मदर डज़ द नेसेसरी वर्क एट होम। और माँ होती है, मम्मी होती है, वो क्या करती हैं, घर के सारे काम जो भी ज़रूरत के काम होते हैं वो करती हैं। फादर डज़ हार्ड वर्क टू अर्न अ लिविंग फॉर द फैमिली। और जो पापा होते हैं वो क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करा सकें, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ दे सके। योर ग्रैंड पेरेंट्स में भी बिजी विथ सम अदर टाइप्स ऑफ वर्क। और जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे मीन्स दादा या फिर दादी, वो अपने ही कुछ अलग काम में बिजी रहते हैं, ठीक है, अपने टाइप के काम में। दस पीपल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड एबिलिटी। तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपने एज के हिसाब से और अपने क्षमता के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डेली हाउस होल्ड रूटीन। मीन्स एक घर में डेली हाउस होल्ड रूटीन क्या होता है वो पढ़ेंगे। ए फैमिली वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जितने भी लोग फैमिली में होते हैं वो कब उठते हैं, सुबह में उठ जाते हैं। मदर कुक्स एंड गिव द ब्रेकफास्ट। और जो मम्मी होती हैं वो खाना बनाती हैं और फिर ब्रेकफास्ट देती हैं। एंड पैक्स द लंच इन टिफिन बॉक्स। लंच को पैक करती हैं टिफिन बॉक्स में। चिल्ड्रेन गेट रेडी फॉर स्कूल। और बच्चे क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए। फादर हेल्प्स द चिल्ड्रेन इन ड्रेसिंग अप। पापा हेल्प करते हैं बच्चों की ड्रेस पहनने में, तैयार होने में, ठीक है। एंड ड्रॉप्स देम एट द बस स्टॉप। और उन्हें बस स्टॉप छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स ब्रिंग मिल्क एंड वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। और जो दादा दादी होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट से सब्जियाँ या फिर दूध लेके आते हैं। पेरेंट्स गो टू वर्क इन देयर ऑफिस। और जो मम्मी पापा होते हैं वो क्या करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है। आफ्टर द डेज वर्क, सारे दिन काम करने के बाद, द फैमिली रिलैक्स इन द इवनिंग। और जो परिवार में जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शाम में आराम करते हैं, ठीक है। दे रीड बुक्स, गो फॉर अ वॉक एंड वॉच टेलीविज़न। वो क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं या फिर वॉक पे जाते हैं या फिर टीवी देखते हैं, है ना। इन द अर्लियर डेज, पहले क्या होता था, व्हेन देयर वाज नो टेलीविज़न, जब टीवी नहीं हुआ करता था, पीपल यूज्ड टू सेट टुगेदर एंड टॉक टू ईच अदर। लोग क्या करते थे, एक साथ बैठते थे और एक दूसरे से बात किया करते थे, है ना। देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स। ऐसे बहुत सारे मीन्स वेज हैं जिससे हम लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया हुआ, द एल्डर चिल्ड्रेन कैन टेक देयर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू स्कूल अलोंग विद देम। जो बड़े बच्चे हैं वो क्या करें, अपने छोटे भाई बहन को स्कूल से लेके आ जाएं साथ में। चिल्ड्रेन कैन गो टू द मार्केट टू बाई थिंग्स। बच्चे मार्केट चले जाएं कुछ भी सामान खरीदने के लिए। चिल्ड्रेन कैन गो टू द पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट लेटर। लेटर पोस्ट करने के लिए बच्चे पोस्ट ऑफिस भी जा सकते हैं, ठीक है।
दे कैन हेल्प देयर पेरेंट्स इन द हाउस टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। घर में अगर किसी भी तरह का काम है तो बच्चे अपने मम्मी पापा की हेल्प भी कर सकते हैं। दे कैन वाटर द गार्डन, गार्डन में वो लोग पानी भी डाल सकते हैं पौधों को, ठीक है। दे कैन कीप द सराउंडिंग क्लीन, और वो अपने सराउंडिंग्स को क्लीन भी रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है जेंडर इनइक्वालिटी। मोनी लिव्स इन अ विलेज कॉल्ड थैकू। मोनी एक गांव में रहती है जिस गांव का नाम है थैकू। शी लॉस्ट हर मदर व्हेन शी वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड। उसने अपनी माँ को खो दिया जब वो 8 साल की थी। शी हैड एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। उसके पास बड़ा भाई और छोटी बहन है। हर फादर वर्क, ठीक है। शी हैड एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। उसके पास एक बड़ा भाई और छोटी बहन थी। हर फादर वर्कड एज अ वॉचमैन इन अ फैक्ट्री। और जिसके पिताजी थे वो एक मीन्स वॉचमैन का काम करते थे एक फैक्ट्री में। हर फादर डिड नॉट सेंड हर टू स्कूल। उसके पिताजी उसे स्कूल नहीं भेजते थे। हाउएवर हर ब्रदर वॉज सेंड टू स्कूल। सिर्फ उसे मीन्स अपने उसके भाई को ही स्कूल में भेजते थे। सिंस शी वॉज अ गर्ल शी हैड टू टेक केयर ऑफ हर सिस्टर एंड डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। इंस वो एक लड़की थी तो इसीलिए उसे घर मीन्स अपने बहन का देखभाल करना था और फिर घर के सारे काम को भी उसी को करना था। इज़ इट राइट दैट ओनली गर्ल शुड हेल्प देयर पेरेंट एट होम। क्या ये सही है कि सिर्फ मीन्स एक लड़की ही घर का काम कर सकती है या फिर पेरेंट्स को देख सकती है घर में? नो, वर्क कैन बी डन बाई बोथ गर्ल एंड बॉयज़। नहीं, जो भी काम है वो दोनों से किया जा सकता है, या लड़की भी कर सकती है और लड़का भी कर सकता है, ठीक है। सम पीपल थिंक दैट ओनली गर्ल शुड वर्क इन द किचन। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियाँ ही किचन में काम कर सकती हैं एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एट होम, और सिर्फ घर पे बच्चे को ही देखभाल कर सकती हैं। एंड बॉयज़ कुड गो आउट एंड प्ले अराउंड। और लड़के क्या हैं, वो बाहर जा सकते हैं और बाहर खेल सकते हैं। दिस इज़ नॉट राइट थिंकिंग, ये सही सोच नहीं है। गर्ल्स हैव इक्वल राइट एंड फ्रीडम लाइक बॉयज़। लड़कियों को भी एक समान अधिकार मिलना चाहिए जैसे लड़कों को आज़ादी मिली हुई है, ठीक है। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज शुड लर्न टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। लड़की और लड़का दोनों को सीखने के मौका देना चाहिए, कोई सा भी काम वो भी कर सकते हैं। दे द बॉयज शुड ऑल्सो हेल्प द मदर इन द किचन। लड़के भी जो हैं वो किचन में अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। There should be no difference in treating girls and boys. यहाँ पर कोई difference नहीं होना चाहिए boys और girls को treat करने में। Both boys and girls are the same wealth. दोनों क्या होते हैं, लड़का और लड़की दोनों सेम होते हैं, ठीक है। If the boys and girls work together, they can do great things. अगर लड़का और लड़की साथ में काम करेंगे तो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा ये चैप्टर, हमने जो यहाँ तक पढ़ लिया है इसे आप लोग घर में रिवाइज करिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज को करेंगे।